नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस क्लास 9 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20 इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर तीन वर्ड में जानना है कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये बहुत फेमस कोटेशन है जिसमें कहा जाता है कि लोगों के लिए लोगों की, ठीक है, और लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है कोई भी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है कि वी आइडेंटिफाई वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी, जितनी भी डेमोक्रेसी हैं जिन भी कंट्रीज में है, हम देखते हैं कि जो वहां पे गवर्नमेंट होती है ना, वो तो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। देखिए, बाय द पीपल, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल शुड हैव द राइट, लोगों को राइट होता है गवर्नमेंट को चूज करने का अपनी कंट्री के। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये मेन बात होती है। फिर डेमोक्रेटिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह की गवर्नमेंट, उस टाइप की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी जिसमें रूलर्स जो है पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जो भी रूल करते हैं वो लोग उनको चुनते हैं। ना कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि म्यांमार है। म्यांमार में क्या है, आर्मी रूल है। म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, वहां के लोग म्यांमार में इलेक्शन नहीं करते हैं, मतलब चुनाव नहीं करते, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। जो आर्मी रूल में जिसका भी रूल होता है, लोगों को कोई अधिकार नहीं है उनके अगेंस्ट बोलने का, या राइट टू वोट का कोई अधिकार ऐसा नहीं है। तो क्या यहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं। नाउ लाइक किंग ऑफ नेपाल, देखिए नेपाल में किंग है, सऊदी अरेबिया में किंग है, यहां पर भी लोगों को राइट टू चूज नहीं मिलता, यानी चुनने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर रॉयल फैमिली की संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी किंग बनती रहती हैं। तो हमने देखा कि म्यांमार, नेपाल और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। पहला, देखिए, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होगी, रूल विद इन लिमिट्स, वो अपने लिमिट्स में रूल करती है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, लॉ में लिखा होता है, और जो सिटीजन के राइट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल करती है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट, एडल्ट मतलब 18 या उससे प्लस का व्यक्ति जो है, सिटीजन है, उसको राइट है वोट देने का, और एक व्यक्ति का एक वोट है, और हर वोट की एक वैल्यू है, वन वैल्यू, चाहे वो बहुत लोअर कैटेगरी का हो, चाहे बहुत ही अमीर हो, चाहे इवन प्रेजिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी है, वन पर्सन वन वोट, और सबके वोट की इक्वल वैल्यू है। ये डेमोक्रेसी की मेन खास बात है। ये नहीं है कोई बहुत अमीर है तो उसके उसके वोट की ज्यादा वैल्यू है, कोई बहुत गरीब है उसके वोट की बहुत कम वैल्यू, ऐसा नहीं है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी कंट्री जो भी होगी ना, वहां पे फ्री इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है, मतलब फेयर इलेक्शन ज्यादा धांधलेबाजी नहीं होती है। जहां पर जो भी पावर में गवर्नमेंट होगी उसको ये भी डर होता है कि वो लॉस भी कर सकती है अपनी पावर को, यानी उसकी अपोजिशन पार्टी पावर में आ सकती है और गवर्नमेंट बना सकती है, तो काम अच्छा करना ही पड़ेगा। इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब फाइनल डिसीजन किनके हाथ में होता है, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो लोग पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, जो व्यक्ति जो पावर में आए होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वही फाइनल डिसीजन ले पाते हैं, यानी लोगों ने लिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, रूलर्स जो है शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन 2, उन कंट्री के नाम बताने जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री जो नहीं है, म्यांमार, नेपाल, सऊदी अरेबिया, और एक कंट्री का नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 3, हु हैज द राइट ऑफ टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन, डेमोक्रेसी में किसको राइट है, पीपल को राइट है, डिसीजन लेंगे पीपल के बिहाफ पे, रूलर को राइट है, रूलर कौन, जो कि जिनको इन्होंने इलेक्ट किया होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, क्या मतलब इसका। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में जो भी एडल्ट होता है, यानी 18 प्लस का सिटीजन है, 18 या उससे ऊपर का, तो उसका एक वोट होगा, वोट देने का उसका राइट है, और हर वोट की बराबर वैल्यू होगी, तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो करंटली पावर में होते हैं उनका भी अपनी पावर को खोने का चांस होता है कि वो भी अपनी पावर को खो सकते हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक अच्छा टॉपिक है। सो अगर वर्कशीट समझ में आ गई बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।